एनिमल का भी बाप कहना गलत नहीं होने वाला है। फिल्म के लिए ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये फिल्म 5 जुलाई को थिएटर में रिलीज होने वाली है। ये कहना भी गलत नहीं होने वाला है कि 5 जुलाई को एक से बढ़कर एक फिल्म और वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसकी स्टोरी कमाल की होने वाली है और बिल्कुल सारी एक अच्छी अच्छी फिल्में एक साथ टकराने वाली हैं। अब देखना यह है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। सबसे पहले फिल्म रिलीज हो रही है उलझ, जानवी कपूर की फिल्म, वहीं किल जिसका रिव्यू आज करने वाले हैं। दूसरी वेब सीरीज होगी अमेजन प्राइम वीडियो पर, मिर्जापुर का सीजन 3 आ रहा है। वहीं चौथी फिल्म होने वाली अजय देवगन की फिल्म औरों में कहां दम था। कमाल की फिल्म, कमाल की स्टोरी, कमाल के एक्शन और कमाल के स्टार कास्ट की बात करें, सबसे पहले फिल्म को लीड कर रहे हैं लक्ष्य लालवानी। एक टीवी के एक्टर है जो कि पोरस सीरियल में काम कर चुके हैं। ये इनकी डेब्यूट फिल्म होने वाली है और डेब्यूट फिल्म और डायरेक्टर धर्मा प्रोडक्शन से आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर अब इनके सामने फिल्मों की लाइन तो लगने ही वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहीं तान्या जिनको फिल्म के सीजन में देख रखा हम लोगों ने, तो साथ में है। राघव जुवल एक कॉमेडियन जो कि इस फिल्म में विलेन के किरदार में है, आशीष विद्यार्थी गुंडों के सरदार बने हुए हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया निखिल नागेश भट्ट ने और लिखा भी उन्होंने ही है। प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन और सिखिया एंटरटेनमेंट। सबको हटा दो, अब बात करते हैं फिल्म की स्टोरी क्या होने वाली है। एक सोल्जर की स्टोरी, एक सोल्जर जो कि छुट्टी में घर को लौट रहा होता है। पूरी फिल्म की स्टोरी एक ट्रेन में बीत जाती है। किस तरह से एक सोल्जर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिल्कुल आसानी से अपने प्रेमिका कम अपनी वाइफ के साथ बैठ करके ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है। ट्रेन में घुस जाते कुछ गुंडे। अब एक्चुअल स्टोरी क्या होती है, गुंडे घुसते हैं तो सिर्फ इसकी प्रेमिका को किडनैप करके दूसरे बोगी में क्यों लेकर चले जाते हैं, और फिर दिमाग उखड़ जाता है सोल्जर का और जो मारना शुरू करता है और जो पीटना शुरू करता है सबके छक्के छोड़ा देता है। और इतने कमाल के एक्शन और इतना रियल एक्शन, बिल्कुल अब तक ये कहना गलत नहीं होगा कि अब तक के जितने भी एक्शन फिल्में वाली फिल्म बनी है और जितने भी रिकॉर्ड बने हैं सबका रिकॉर्ड टूटने वाला है। क्यों? क्योंकि किल आने वाला है और लक्ष्य लालवानी का एक्शन, उनका पर एक्शन, एक्शन पर एक्शन कमाल का और बेहतरीन है। बिल्कुल रियल एक्शन से मज़ा आ जाएगा, मतलब क्या ही कहा जाए। जैसे आँख में छुरे का भोंकना, वहीं पैर से सर पर मारने के बाद गर्दन की हड्डी बाहर का निकल जाना, और मज़ा तो तब आता है जब राघव जुवल की आंखों में डर, खौफ, कांपते शरीर से जब ये आवाज़ निकलती है कि रक्षक नहीं राक्षस हो तुम, राक्षस। और उनके एक्शन, किस तरह से जो एक्शन किया है उन्होंने फिल्म में, मतलब गुंडे के छक्के छूट जाते हैं और बिल्कुल गुंडे खौफ से डर जाते हैं और मज़ा आ जाता है। जिस तरह राघव जुवल भी कहते हैं कि भौजी का प्यार तो बहुत विस्फोटक है, थोड़ा सा भी लगता है कि बिहारी एक्सेंट का उनका लैंग्वेज, तो मज़ा आने वाला है। मिला जुला करके बहुत अच्छी फिल्म होने वाली है, कमाल की फिल्म होने वाली है। और कलेक्शन के मामले में फिल्म थोड़ी सी पीछे छूट सकती है, पर एक्शन के मामले में बिल्कुल एवन होने वाली है। और एनिमल जैसी फिल्म जो कि बिल्कुल ज़्यादा ट्रेंड करी थी, ये सब ध्वस्त होने वाले हैं क्योंकि किल और लक्ष्य लालवानी आने वाला है। स्टोरी कमाल की तो होगी ही, इंतज़ार करना है फिल्म 5 जुलाई को देखने के लिए। फिलहाल आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखिए और बताइए कमेंट में कैसा लगा आपको इस फिल्म का ट्रेलर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कोई और फिल्म ट्रेलर टीजर रिव्यू के साथ।